नमस्कार, खबर 22 पेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि खबर के माध्यम से आपको दिखाया गया था कि 5 माह पूर्व जो 22 डगरवा क्षेत्र के अंतर्गत जो कन्हड़िया गांव है, वहां पे जो है ड्रीम इलेवन में जो पैसा फंसा था, करोड़पति नौशाद आलम के घर आज हम पहुंचे हुए थे। और खबर के माध्यम से आपको दिखाया गया था कि ड्रीम इलेवन का जो उनको पैसा मिला था। आज आपको बता दें कि ड्रीम इलेवन एक ऐसा गेम है जिनसे आप चाहे तो बर्बाद भी हो सकते हैं या फिर रातों रात जो है करोड़पति बन सकते हैं। उसी को लेकर जो है आज हम मौजूद हैं नौशाद के घर, जिन्होंने ड्रीम इलेवन खेल करके रातों रात करोड़पति बन गई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से जो है नौशाद आलम के जीवन में बदलाव हुई है, ड्रीम इलेवन में जो जीतकर 1 करोड़ रुपये जो वो जीता, फिर उनके जीवन में किस तरह की बदलाव हुई है, अब उनके जीवन में किस तरह की बदलाव है, क्या रहन सहन में किस तरह का प्रभाव पड़ा है, किस तरह का बदलाव हुआ है, सारी चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं कि ड्रीम इलेवन जो गेम है, इसको अपने नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक गेम है, इसमें हजारों लाखों आदमी जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन माना जाए कि 1% या 2% ही लोग जो है इसमें सक्सेस हो पाती है। वैसा ही एक नौशाद आलम जो कन्हड़िया के हैं, उन्होंने भी इस ड्रीम इलेवन में सक्सेस हुआ और रातों रात जो है वो करोड़पति बन गए। फिर करोड़पति होने के बाद उसके जीवन में किस तरह का बदलाव है, हम उनके पीछे चलते हैं। आखिर मेरे पीछे देखिए, ये उनका घर है। कल तक जहाँ एक झोपड़ी हुआ करता था, उनके दरवाजे पे एक ऑटो लगी हुई थी, आज उनके जीवन में किस तरह का बदलाव है, रहन सहन में किस तरह का, उनके बाल बच्चा किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं। हम मेरे पीछे नौशाद आलम भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। हालांकि उनकी जीवन जो है शुरुआत में जो है उनकी जीवन काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरी है, बहुत मेहनत के साथ आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और रातों रात करोड़पति बनने के बाद जो है अपने जीवन को अब वो किस तरह से जी रहे हैं वो खुद बताएंगे। अब बने रहिए मेरे साथ। ये ड्रीम इलेवन से हमने 1 करोड़ रुपया जीता था 4 महीना 5 तारीख को, उसी से सब किए हैं। अच्छा, जीतने के बाद अब उस वक्त की लाइफ में और अभी की लाइफ में किस तरह का बदलाव है? देखिए, जब इनकम आता है तो थोड़ा आराम होता है, पैसे के लिए दुनिया है, पैसा आया तो हर खुशी हाथ में है, पैसा नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। ड्रीम इलेवन का खेल कितने दिनों से खेलते थे? 2017 से। अच्छा, अभी सुनने में आया आप क्या क्या मतलब ड्रीम इलेवन के पैसों से आप क्या क्या खरीदे हैं अब तक? घर बनाए, जमीन लिए हैं, एगो स्कॉर्पियो खरीदे हैं, सुनने में आया बुलेट, हाँ बुलेट भी खरीदे हैं। पहले क्या काम करते थे, अब क्या कर रहे हैं? पहले भी गाड़ी चलाते थे, अब भी गाड़ी चलाते हैं। पहले टेम्पो और हाँ स्कॉर्पियो, अभी स्कॉर्पियो टेम्पो भी चलाते हैं। लाइफ में काफ़ी बदलाव, हाँ बहुत बदलाव। अच्छा, इस पैसे से आप अपने परिवार के लिए क्या क्या कर रहे हैं अलग से? परिवार के लिए, बच्चा सब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए है। पहले बच्चा आपका कहाँ पढ़ता था? पहले ये गोल्डन स्कूल में पढ़ता था, यहाँ प्राइवेट, अभी भी वही है। अच्छा, ये बताइए, सुनने में आया कि आपके रिलेशन में एक और लोगों का मतलब? नहीं, वो सब क्लियर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ड्रीम इलेवन एक ऐसा जुआ है जिसमें हजारों आदमी जो है बर्बाद हो चुकी है, आप कभी इसमें ये नहीं सोचे कि इससे बर्बाद होने की जो आशंका पड़ती है? देखिए, जुआ तो बर्बाद होने का ही है, कोई बर्बाद होता है किसी का लाइफ भी सेट होता है। आप कितने पहले कितना बर्बाद हो चुके थे? होगा 50,000 कम से कम। 50,000 बर्बाद होने के बाद तब एक हाथ लगी? हाँ। अच्छा, इस तरह से अभी भी लोग काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए कुछ संदेश है आपका? संदेश यही है भैया, जितना इनकम है उतने हिसाब से खेले। अब लोग 20-20 टीम लगाएगा, पर डे का 500-1,000 रुपया जाएगा, तो इनकम है तो लगाइए, मत नहीं तो मत लगाइए। क्या आप उसको खेलने का सलाह दे रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं? देखिए, अपने मना भी नहीं कर सकते, अपना लाइफ है सबका जीने का, जिसको जितना क्षमता है उतना लगाए। क्योंकि देखा जाता है कि ड्रीम इलेवन में जो है अब तक हजारों आदमी ये बर्बाद हो चुके हैं, कुछ ही परसेंट है जिसमें आप भी शामिल हैं। जुआ है भैया, जुआ बर्बाद का ही है, अब मत खेलिए, अपने हिसाब से खेलिए, जितना खेलना है जितना इनकम उतना खर्च कीजिए, इनकम नहीं है मत कीजिए। अच्छा, ये एक सवाल रहता है कि अक्सर आदमी के पास पैसे आने के बाद वो बदल जाते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, आप क्या करेंगे, क्या आप बदलेंगे या फिर अभी? नहीं, हम जैसा हैं वैसे हैं अभी तक। अच्छा, अब लोगों का जो मतलब विचार है आपके प्रति अब कैसा बदल गया, जो लोग आपको नहीं बोलते थे, नहीं बातचीत करते थे? नहीं, सब वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम। नाम बता दीजिए। नौशाद अंसारी, कन्हड़िया। कौन से जिले में? जिला पूर्णिया, थाना डगरवा है। किसका काम कर रहे हैं? नौशाद भाई का।
लगभग 2 महीना वायरिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, नसर भाई को आप जानते हैं? पहले जानते। पहले इसका जीवन कैसा चल रहा था? ठीक था। कैसा था, क्या घर था, आते जाते थे? घर तो नहीं देखे थे, ऐसे मतलब मिलते जुलते मतलब क्या करते थे? ऐसे गाड़ी उड़ी चला रहा था। अभी जब उसके यहाँ आप काम कर रहे हैं तो उस समय का मिलना में अभी का मिलना में किस तरह का फर्क लग रहा है? अभी अभी फर्क क्या है, अभी वह आदमी तो वैसे है जैसे पहले मोहब्बत था, अभी भी वैसे है। और बाकी जो है तो मतलब जो भी अभी ये किया है, पैसा को यूज कर रहा है, अच्छे काम में यूज कर रहा है वो। भाई के लॉटरी लगने के बाद, जीतने के बाद जी, क्या उसमें कोई बदलाव आया आपके साथ? किस तरह का भेदभाव पहले? मेरा भैया पहले से ही और भी अच्छे हैं, पहले से जैसे चलते थे अभी भी वैसे चलते हैं, किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। जो घर देख रहे हैं आप, घर भी बनवा के दे रहे हैं, भाई ही बनवा के दे रहे हैं, और एक साथ भी एक फैमिली की तरह अभी तक हैं। अच्छा, आपके पीछे जो ये आलीशान बिल्डिंग है, जी जी जी, यहाँ पे पहले क्या था? पहले सर यहाँ टीन का घर था, ऊपर में टीन था और नीचे वो टट्टी जो दीवार होता है मट्टी का वो था। और अभी देख सकते हैं आप मकान आलीशान बन के था। रूम बना रहा है? जी जी जी, दोनों के लिए। तीन भाई से हम लोग हैं, तीनों के लिए घर बनवा रहे हैं। परिवार वालों के साथ कैसा? बहुत अच्छा बिहेवियर है भैया, चलते भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं? हम सर बाहर में काम करते हैं, फॉरमैनी करते हैं प्लस्तर लाइन में। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुंतजिर अंसारी। छोटे भाई हैं। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं, इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।